गाइस हमें ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है स्प्लेंडर से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे हो गए। सो गाइस अभी मैं हूँ भोपाल में और आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे जो कि है भोजपुर। वहाँ पे एक भोले बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ आपको कैसा मंदिर है, क्या सीन है वहाँ का। मैं पहले जा चुका हूँ एक बार बहुत पहले, सो दोबारा जा रही हूँ वहाँ पे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. So guys, हमें off-roading करनी पड़ रही है Splendor से। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं Splendor हर चीज में बेस्ट है, माइलेज, ऑफ रोडिंग, ऑल टाइम फेवरेट है। तो भाई हमें बाइक से उतरना पड़ा क्योंकि 3 दिन बंदे बैठ रखे थे और रास्ता ज़्यादा खराब था। पूरा रास्ता ही बंद है गाइस, तो हम जा रहे हैं। क्यों भैया भोजपुर जाने के लिए अब दूसरा कोई? ये पूरा पुल ही टूट रखा है गाइस, ये पूरा रोड ही टूट रखा है, हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। ये हमारी बाइक घुमानी पड़ेगी, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जो पुल था वो टूट रखा है, तो अब यहाँ से किसी और रास्ते जाना पड़ेगा। ये सारे बाइक वाले खड़े हैं यहाँ पे, किसी और रास्ते से जाएंगे अब। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये शिव मंदिर है पीछे आपको दिख रहा होगा। सो बाइक हमने वहाँ नीचे ही पार्क कर दी है और अब चलते हैं अंदर दर्शन के लिए, काफ़ी प्यारा मंदिर है। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे मेरे सिनेमैटिक शॉट्स। ये शिवलिंग देख सकते हो, कितना ऊंचा शिवलिंग है गाइस। ये पिलर है ना, इनमें एक खास बात है, ये पूरे एक ही स्तंभ है जो कि उस टाइम की इंजीनियरिंग है। गाइस इन पिलरों के लिए आप कारीगरी देख सकते हो, बहुत ही पुरानी है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, ये एक ही स्तंभ है पूरा, जो कि उस टाइम पे कैसे लाया गया होगा इतनी ऊंचाई पे किसी को नहीं पता। ये पूरा पत्थर से बनाया गया है, बहुत ही प्यारी कारीगरी करी गई है। सो गाइस इस शिवलिंग के बनाने के पीछे एक कहानी भी है जो कि मुझे मेरे पापा ने बताई थी। ये वही शिवलिंग है
वो कहानी मैं बता नहीं सकता गाइस, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वही सब चलते हैं यहाँ से। इसके पीछे भी काफी अच्छी जगह है, इसके चारों साइड पहाड़ी पहाड़ है। अंगूर भी बहुत सारे हैं। तो गाइस मंदिर घूम लिया है, इसे बाइक निकाल रहे हैं और फिर चलते हैं। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी स्टॉलें लगी हुई हैं, छोटे छोटे सामान हैं मंदिर से रिलेटेड, तो अब निकलते हैं। निखिल नाम देखते हैं, पता गया। सो गाइस हम आ चुके हैं निखिल धाम, ये भी एक मंदिर है लेकिन ये भी बंद है, तो मैं वापस जाना पड़ेगा गाइस। समस्या है गाइस, समस्या। सो गाइस ऐसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने वाली, और निकलने से पहले थोड़ी सब्जी ले लेते हैं घर के लिए। ये सब्जियाँ नॉर्मल सब्जी नहीं है, ये पहाड़ों से, पहाड़ों पे उगाई जाती है वो वाली सब्जी है। कहीं आप सोचो कि बुद्ध बाज़ार की सब्जी या फिर संडे मार्केट की, वो सब्ज़ी नहीं है गाइस, ये काफ़ी अलग सब्जी है, ये इनका स्वाद अलग ही होता है। चलो 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 वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे एंड। मैं भी तो बना रहा हूँ, तुम ये प्याज किंगा, ये प्याज काटता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लोगों का भी काम। सो इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।